पूरे सेशन का आपके सामने आ रहा है। इसी कड़ी में जो कक्षा नौवीं के बच्चे हैं, नौवीं ए, नौवीं बी और नौवीं सी, तीन सेक्शन है अपने पास। कितने बच्चे हैं ऊपर अपने एक पर सारा समझा कर लेंगे। तो नौवीं कक्षा के तीनों सेक्शन में जो बच्चे हैं, ए सेक्शन इंग्लिश मीडियम का था, बी और सी जो हिंदी मीडियम के सेक्शन थे, उनमें से बच्चे चाहे कोई भी सेक्शन में हो, सभी सेक्शन में कुछ बच्चे बहुत मेहनती भी हैं, कुछ बच्चे एवरेज बच्चे हैं, किसान हैं बीच के, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी नींद नहीं टूटी, वो किसी कारण से उनकी लगन नहीं हुई पढ़ाई में, वे पढ़ नहीं पाए या वे परीक्षा ठीक से दे नहीं पाए, क्योंकि जो रिजल्ट बनता है, परीक्षा परिणाम बनता है, वो किसी एक अध्यापक से नहीं बनता। एक टीम होती है, पूरी टीम है इस रिजल्ट को बनाने वाली। जितने भी अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, नौवीं कक्षा में छह सब्जेक्ट होते हैं, कोई अध्यापक आपको अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई हिंदी, कोई साइंस, कोई सोशल साइंस, कोई अन्य सब्जेक्ट। तो ये जो छह सब्जेक्ट हैं, छह आपकी परीक्षाएं हुई, छह पेपर हुए, वो छह के छह आंसर बुक आपकी चेक की गई, और उसमें चेक करने के बाद जो बच्चे जो हैं सभी सब्जेक्ट उत्तीर्ण कर पाए, यानी कहने का मतलब ये है कि 80 नंबर का आपका जो पेपर हुआ, परीक्षा हुई 80 नंबर की, उसमें से 27 अंक जिस बच्चे ने प्राप्त किए, और उसके बाद असेसमेंट जो 20 नंबर की थी उसमें से कम 7 अंक लिए, वे बच्चे जो है उस विषय में उत्तीर्ण हो गए। और जो ऐसा नहीं कर पाए, 27 अंक नहीं ले पाए या 7 अंक नहीं ले पाए, वो जो बच्चे हैं वो रिपीट हो गए। तो आपकी जो परीक्षा हुई थी, आप जो परीक्षा देके गए हैं, उसकी मार्किंग हुई, वो आपका 500 सीट है जो आपकी, वो मार्किंग हुई, उसको चेक किया गया, और जो बच्चे सभी 500 सीट के अंदर सभी विषयों में 27 अंक ले पाए, वे बच्चे जो है इसमें पास माने गए। इसी तरह से प्लस वन में भी ऐसा ही था, और जो बच्चा ऐसा नहीं कर पाए वो जो है उस विषय को उत्तीर्ण नहीं कर पाए। तो जो 6 के 6 विषय उत्तीर्ण कर दिया, वो बच्चे पास हो गए। 9th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास वाला जो बोर्ड का मार्क है वो लागू रहता है, तो जो बच्चा एक विषय में या दो विषय में रह गया, उत्तीर्ण नहीं हो पाया, अनुत्तीर्ण हो गया, वो कंपार्टमेंट माना जाता है। और 2 से ज्यादा विषय में अगर बच्चा रह गया है तो उसको उसी क्लास में जाकर उतार लेना पड़ेगा। तो इसमें जितने भी अध्यापक थे आपके पेपर चेक करने वाले, सभी ने कोशिश की है, सबकी सहानुभूति आप लोगों के साथ थी कि विद्यालय में जब ट्रांसफर ड्राइव चला, बहुत सारी एक्टिविटी देखी, पढ़ाई कम हो पाई, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है पास कर सके। हमने सभी ने पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं रह गए, वो उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं जो बच्चे जिन्होंने पोजिशन प्राप्त की है, मैं उनका नाम बोलना चाहता हूँ। पहले 9th A में कुल 24 बच्चे थे, 24 बच्चों में जिन्होंने पोजिशन प्राप्त की है, फर्स्ट पोजिशन है हिना 566 में से 94.3। सेकंड पोजीशन पंकज 84, और थर्ड पोजीशन है विकास 77%। इसमें जो कुल 24 बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत बढ़िया एफर्ट किया, जिन्होंने कोई सुधार की, मैंने इनका नाम बताया है, लेकिन